प्रकरण में पुलिस द्वारा केस रजिस्टर किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई इसमें प्रारंभ हो चुकी है। उनको जो स्थानीय अधिकारियों के तत्वावधान में उसको सही दिशा देने का अपना प्रयास कर रहे हैं। सर, जिस तरह से कल एक वीडियो आया जिसमें दिखाया गया जो थार गाड़ी है उसके नीचे किसान पड़ा हुआ है और एक युवक भाग रहा है, तो क्या ये गिरफ्तारी की बात जो चल रही थी वो कब तक हम लोग को एक किसी वीडियो को देखकर हम लोग निष्कर्ष पर किसी प्रकार के नहीं पहुंच सकते हैं। वो निश्चित रूप से हमारे लिए एक एविडेंस साबित हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे फुटेजेस अभी अवेलेबल है और भी हम लोगों ने लोगों से एसपी खीरी के तरफ से मीडिया में दिया है कि किसी के पास कोई ओरिजिनल फुटेजेस है वो कृपया उपलब्ध कराएं ताकि वो हम सभी इन्वेस्टिगेशन में हमें काम आएगा, स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम आएगा और इन्वेस्टिगेशन के संबंध में किसी प्रश्न का मैं इस समय जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकता। धन्यवाद। गिरफ्तारी सर कब तक की जाएगी? किसी भी दोषी को अगर उसके खिलाफ साक्ष्य संकलन हो जाता है, अगर वो दोषी पुलिस के निगाह में होता है तो निश्चित रूप से उसके मामले में सर किसी को अभी कस्टडी में ले गया है पूछताछ के लिए? अब मैंने जैसे कि बताया इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट को मैं इस पर नहीं देना चाहता। जो आपके पास पब्लिक में प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप लोग उससे पूरा देख के जानकारी कर सकते हैं। कहाँ पे जांच कर रही है, क्या इस मामले की? कहाँ पे? यहाँ एक कमेटी बनी है जिला स्तर में, हर विवेचना को सुपरवाइज अच्छे ढंग से करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिकारियों को दायित्व दिया जाता है। जब किसी बड़ी चीज होती है तो कई सारे अधिकारियों को भी उसमें तत्वावधान में उनके कार्रवाई होती है, क्योंकि बहुत सारे शाखा संकलन करना, टेक्निकल असेसमेंट करना, उसकी समीक्षा करना, तो ये सभी पुलिस का काम है। धन्यवाद। खालसा ग्रुप की बात आ रही है, लगदार ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की बात आ रही है, अब सभी उसका मीडिया के कुछ चैनल्स में हमने भी देखा है और हम उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।